जैन बच्चों बच्चों, मैं आज आपको कुछ साइंस के क्वेश्चंस, विज्ञान के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, जो कि आपके एनटीएससी के साथ साथ, ये आपके नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के साथ साथ एनएमएमएस, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय आईएम योग्यता अधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बच्चों देखिए, चाहे जिस राज्य के हों, अब सबका सिलेबस एक है और क्वेश्चंस बदल बदल के ही आते हैं। कुछ उसमें चेंज कर देंगे, कुछ नया ऐड कर देंगे कभी किस क्वेश्चंस को। तो जो क्वेश्चंस आप देखेंगे उसमें मैं कई चीज़ें ऐड करूँगा, तो ये मत मान के चलिए हमें आता है तो ये ना सुने। तो उसमें क्योंकि जो चीज़ें ऐड करूँगा हो सकता है वो बदल के अगले वर्ष आ जाए, ठीक है? तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, मैं थोड़ा इंग्लिश भी यूज़ करूँगा इसमें। रिक्टर स्केल किसको नापता है? रिचर स्केल मेजर्स, ठीक है? तो ये बच्चों भूकंप को नापता है, भूकंप की तीव्रता जो होती है अर्थक्वेक की, उसको ये नापता है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 92 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। ये लाइट ईयर बच्चों दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है, ठीक है? इसको आप ऐसे समझिए कि लाइट को, रोशनी को एक साल में जितना वो ट्रैवल करेगा, जितनी दूरी वो तय करेगा, वही प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है? तो ये देखिए होता है 9.4 × 10 पावर 12 किलोमीटर, ठीक है? तो इतनी दूरी होती है, ये दूरी भी याद कर सकते हैं, कभी कभी परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो ये जो है दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीप्त पिंड है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो देखिए वो प्रदीप्त पिंड या इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद की रोशनी देते हैं, ठीक है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि मून की अपनी रोशनी नहीं है तो सूरज की वजह से चमकता है। कोई भी बल्ब हम बिजली देते हैं तब चमकता है। कोई भी फ्लेम, कोई भी अगर मोमबत्ती की ज्वाला है, वो भी जब हम उसमें आग से जलाते हैं तब उसका ईंधन जलता है, मोम जलता है, तब आग निकलती है। सूर्य की अपनी खुद की रोशनी होती है, ठीक है? तो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट क्या है इसका आंसर? सन, सूर्य, ठीक है? 93 का क्वेश्चन नंबर 94 है। ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन। ये आपकी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं हो सकती, निर्वात में ट्रैवल नहीं हो सकती, क्योंकि इसको एक माध्यम चाहिए होता है, ये एक मैकेनिकल वेव है बच्चों। इस वजह से साउंड जो है गैस में करेगी, लिक्विड में करेगी, सॉलिड में करेगी। अब सवाल देखिए बदल के कैसे आ सकता है कि साउंड जो ध्वनि है सबसे ज़्यादा किस में तेज़ गति से किस में संचारित होगी? तो सबसे ज़्यादा तेज़ गति से ठोस में संचारित होगी, सॉलिड में, ठीक है? इसके बाद द्रव में होगी सेकेंड, और थर्ड होगी गैस में। तो ऐसे भी आ सकता है कि आप बताइए कि पहले सॉलिड में, ठोस में सबसे तेज, उसके बाद द्रव में, लिक्विड में, ठीक है? इसके बाद गैस में। तो हिंदी वाले बच्चे भी समझ लेंगे इससे, से ठोस है, द्रव है और गैस है। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 95 है। वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती हैं वे कहलाती हैं। द ऑब्जेक्ट्स डेट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम पार्सली आर कॉल्ड, ठीक है? तो इसको बच्चों ट्रांसलूसेंट कहते हैं, पारभासी कहते हैं, ठीक है? हल्की हल्की रोशनी जाती रहेगी, हल्की नहीं जाती रहेगी। ओपेक या अपारदर्शी वो हैं जो एकदम नहीं जाने देते हैं। ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी वो हैं जो कि एकदम जाने देते हैं, ठीक है? तो आपका उत्तर क्या है इसका? पारभासी, ठीक है? ट्रांसलूसेंट। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है? संपर्क बल मतलब जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो साथ में लग के होता है, ठीक है? तो ये घर्षण बल है, फ्रिक्शनल फोर्स है। जब आप चप्पल से चलते हैं, कुछ भी टायर चलता है तो कांटेक्ट होता है, तो जब एक दूसरे से सतह छूती हैं तभी तो घर्षण होता है, ठीक है? तो ये हमारा है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? ये और बाकी चुंबकीय बिना, ये तो दूर से ही चुंबक खींच लेता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है, जैसे सन और मून का है, पृथ्वी पृथ्वी हमारे और सूर्य का है या चांद का है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब हम किसी चीज़ को दूर से ही अगर उसमें कोई धारा आ जाती है, कोई चार्ज आ जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है? तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? ऑप्शन 296 का। 97 है। एक सामान्य दोलक की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, तब दोलक 4 सेकंड में कितना दोलन करेगा? द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 10 हर्ट्ज, देन पेंडुलम विल एग्जीक्यूट हाउ मेनी ऑसिलेशंस इन 4 सेकंड। बच्चों आपको पता है आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि जो फ्रिक्वेंसी होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बदल के कैसे भी आ सकता है, इसमें संख्याओं को बदल देंगे। आवृत्ति होती है क्या है? दोलन, दोलन जितने भी दोलन हुए हैं बटे सेकंड, ठीक है? तो दोलन क्या होगा? दोलन बराबर हो जाएगा आपका
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी, ठीक है, गुणे सेकंड, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो आवृत्ति यहाँ कितनी दी गई है, आवृत्ति आपकी 10 हर्ट्ज दी गई है, ठीक है, और गुणे समय आपका कितना दिया गया है, समय आपका 4 सेकंड दिया गया है, तो उत्तर क्या आएगा 40, ठीक है, 40 बार होगा बच्चों, तो इसका आंसर है आपका 97 का 1, ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। 98 है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण होगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मिरर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, तो ये साफ साफ है बच्चों जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, अब देखिए ये दर्पण है मान लीजिए, ठीक है, और इस पर एकदम सीधा आपका ये नॉर्मल गिर रहा है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री गिर रहा है, तो वापस जैसे ही आया ये वैसे ही लौट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो परावर्तन का कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 99 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 99 है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, द एंगल फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज, हमें पता है जो समतल दर्पण होता है उस पर वर्चुअल इमेज बनती है बच्चों, आभासी बनती है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 100 करें, ये थोड़ा सा धुंधला है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक गीले फर्श पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए क्योंकि वन शुड वॉक केयरफुली ऑन अ वेट फ्लोर, अभी हमने देखिए फ्रिक्शन का पढ़ा था ना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, गीले फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, ठीक है, वेट फ्लोर ऑफर्स लेस फ्रिक्शन, ठीक है, अगर ऑप्शन आ जाए कि गीला है फर्श और एक जगह बर्फ है, किस पे सबसे कम घर्षण होगा या कहाँ गिरने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो आप बोलेंगे बर्फ पे, तो इस तरह से भी सवाल बदल के आ सकते हैं, क्योंकि जब गीला रहेगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो बच्चों होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से फ्रिक्शन आपका उतना नहीं हो पाता है, तो इस वजह से गिरने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो फोर्स जो पर यूनिट एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, दाब करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, बल प्रति क्षेत्रफल होता है, ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। 102 है बच्चों, निम्न में कौन जल का रासायनिक प्रदूषक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर, तो इसमें आपको ध्यान देंगे बच्चों कि पेस्टिसाइड जो हम छिड़कते हैं मारने के लिए वो भाई पॉल्यूट करेगा, खाद डालते हैं वो भी पॉल्यूट करेगा, मरकरी तो बहुत ही नुकसान करता है, बैक्टीरिया जो हैं वो रासायनिक प्रदूषक नहीं है, नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है, पानी के अंदर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 जीवाणु। अब 103 है, निम्न में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को घटाती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एकदम घटा देता है, इसलिए देखिए कहा जाता है कि जो कमरा बंद में अगर आप अंगीठी जला के रहते हैं वो धुआं हल्का हल्का देता रहता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से कई लोगों की मौत भी हो जाती है, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए प्राकृतिक रेशा है, ये देखिए कई बार क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है बदल के कई परीक्षाओं में, ठीक है, जो प्राकृतिक रेशा है वो है आपका रेयॉन, तो इसका आंसर है बच्चों 104 का रेयॉन, ठीक है, प्राकृतिक रेशा है। और क्वेश्चन 5 है, निम्न में से मिश्र धातु नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय, ठीक है, तो यहाँ पर एलॉय जो है आपका, इसमें बच्चों जो मिश्र धातु जो है वो क्रोमियम नहीं है, वो क्रोमियम एक अलग सा एक धातु है, ठीक है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, पीतल जो है कांसा सोल्डर और स्टेनलेस स्टील मिश्रण धातु है, तांबा तथा जस्ता के संयोग से पीतल मिश्र धातु, तांबा एवं टिन के संयोग से कांसा मिश्र धातु, सीसा एवं टिन के संयोग से सोल्डर मिश्र धातु एवं लोहा क्रोमियम तथा निकल के संयोग से स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनती है, तो आप इस पूरे वर्ड्स को सुनते हुए आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है, इसमें बच्चों ध्यान रखें ग्रीन हाउस गैस ये है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी है, ठीक है, बाकी कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हंड्रेड सेवन है, खाने वाले सोडे का सूत्र है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 है बच्चों, ठीक है।
आपको पता है जो नमक है वो रासायनिक, उसका सूत्र क्या है? NaCl है, ठीक है, और इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है इसका, आप जानते हैं। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो है NaOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये आपको क्लियर हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, ठीक है, ये नॉन मेटल है। तो इसमें देखिए नॉन मेटल आपका कार्बन है बच्चों, ठीक है, बाकी सोडियम, आयरन और मरकरी, ये मैग्नीशियम, ये आपके क्या है? मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 109, दहन प्रक्रिया में कौन सी गैस सहायक है, विच गैस सपोर्ट्स कम्बसन प्रोसेस। आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कहीं पे भी आग पकड़ नहीं सकती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर सहायक गैस है। 110 है, बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट आपको पता है किसका ये ओर है? बॉक्साइट जो है वो हम को निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला है बच्चों, जो बॉक्साइट है वो है Al2O3 × 2H2O, ठीक है, दो वाटर के कण होते हैं ये एक्चुअल है। आप देखिए इसमें जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, तो Al2O3 को ही हम टिक कर देंगे। और आपको पता है कि आयरन धातु के S का नाम जो है हेमराइट है, उसका फॉर्मूला है Fe2O3, और जिंक धातु के S का नाम कैलमाइन है, जिसका फॉर्मूला है ZnO3, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और सिल्वर धातु के S का नाम अर्जेंटाइट है, Ag2S, ठीक है, ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन 111 है, यौगिक M3PO4 ट्वाइस में धातु M की ही संयोजकता है, ठीक है, इसमें बैलेंस ही पूछ रहा है। अब ये M छुपा दिया गया कि M है क्या? आपको बच्चों ये पता है जो फॉस्फेट हमारा होता है उसका जो ऋण होता है वो -3 होता है, ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ये M3 है, ठीक है, और यहाँ देखिए ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, 2 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगी इसकी? 6 हो जाएगी। और M3 के लिए 6 होने के लिए क्या करना होगा? इसको हमें दो बार लेना होगा, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी +2, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 2। अब 112 है बच्चों, ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी यौगिक है, तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओजोन आपको पता है ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक तीव्रता से ठंडे जल से क्रिया करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर मोर विग्रेसली। तो यहाँ हमें पता है साफ साफ, अगर सोडियम को हम डालते हैं क्योंकि चाकू से देखिए कट जाता है, ये भी आ सकता है कि कौन सा धातु चाकू से आसानी से कट जाता है, या कौन से धातु को हम किरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं ताकि वो अभिक्रिया ना करे, रिएक्शन ना करे, ठीक है। तो पानी में डालते ही, अगर पानी है किसी में लिए हैं आपने सोडियम डाला तो तुरंत इसमें आग पकड़ लेगा बच्चों, ठीक है, तो इससे भी आप काफ़ी क्वेश्चन देख के तैयार हो गए। 114 है, निम्नलिखित में से सबसे कम उष्मीय मान वाला इंधक है, फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्यूल हैविंग मिनिमम कैलोरीफिक वैल्यू इज। तो सबसे कम जो कैलोरीफिक वैल्यू है बच्चों, इनमें सबसे कम लकड़ी का है, ऊड का है बच्चों, ठीक है, इसके बाद बाकी का नंबर आएगा। और 115 है, डेंगू रोग का वाहक होता है, डेंगू रोग आप लोग जानते हैं, डेंगू रोग का वाहक जो है वो होता है ईडीज मच्छर होता है, खरपतवार नाशी है, जो वीडीसाइड जो होते हैं जो खरपतवार को मारते हैं वो है आपका 2,4-D, ठीक है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है सब क्वेश्चन वीडीसाइड का, ठीक है। फिर 117 है, गंगा कार्य परियोजना आरंभ की गई थी, तो गंगा कार्य योजना जो है आपकी आरंभ की गई थी 1985 में, ठीक है। क्वेश्चन 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है, ये वायरस के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है। देखिए पोलियो होता है, ठीक है, खसरा होता है, एड्स होता है, लेकिन क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस बच्चों ये आपको पता है, ट्यूबरकुलोसिस हमारा ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो आपका ये 118 का आपका 4 आंसर सही है, ठीक है। इसमें आप जान लीजिएगा कि ये जो सूक्ष्म जो विषाणु द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं उसमें खसरा है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, डेंगू है, हेपेटाइटिस है, चिकनगुनिया है, जापानी मस्तिष्क ज्वर है, ठीक है, और जीवाणु द्वारा क्या है कुछ मैं बता दे रहा हूँ, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। आपका पोलियो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आपका विषाणु से ही होता है, जीवाणु से नहीं होता।
क्वेश्चन 119 है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो सेल वॉल देखिए हमें पता है कि प्लांट्स में होते हैं बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर है बच्चों यूग्लिना नंबर 3। ठीक है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड दी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? तो स्मॉल पॉक्स का आपको पता है ये किया था ये एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी चेचक के। ठीक है, और पेनिसिलिन की खोज आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, रॉबर्ट कोच ने हैजे की थी। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, 121 है, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बडिंग? ये बच्चों आपको पता ही है, हाइड्रा में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 है, किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का श्रवण होता है? विच ग्रैंड सीक्रेट्स इंसुलिन? आपको पता है ये इंसुलिन जो है वो हमारी पैंक्रियास करती है, जो कि शुगर को कंट्रोल रखती है। नंबर 23 है, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क मेंढक में विकसित होता है? टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ? ये कायंत्रण है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। 124 है, सबसे पहले किस स्तनधारी जंतु की क्लोनिंग की गई? सबसे पहले क्लोन किसका बनाया गया? ठीक है, सबसे पहले आपको पता है भेड़ का बनाया गया, जिसका नाम क्या था? डॉली था। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। पत्ती का भाग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लीफ? जो बाह्य दल है सेपल है वो पत्ती का भाग नहीं होता है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू।